आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस प्यारी सुबह के लिए कि उसने मेरे और आपके जीवन में एक और नया दिन दिया। हम पिछले कुछ समय से परमेश्वर के चरित्र के बारे में सीख रहे हैं। आज भी हम परमेश्वर के एक चरित्र को देखेंगे कि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम यर्मिया उसके 17वें अध्याय के 14वें पद से पढ़ेंगे। हे यहोवा, मुझे चंगा कर और मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा ले और मैं बच जाऊंगा। हो सकता है आप काफ़ी समय से किसी रोग से, किसी बीमारी से ग्रसित हैं और आपको चंगाई नहीं मिल रही है। हो सकता है आपके किसी अपने ने आपके दिल को दुखाया है, आप पीड़ित हैं। हो सकता है कई बातें हैं जो आपके दिल में दिक्कत दे रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर यही कहता है, जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, हम उससे प्रार्थना करते हैं, जब उससे मांगते हैं, तो प्रभु हमारा हमें चंगाई देता है। चाहे वो हमारे शरीर की चंगाई हो, चाहे हमारे हृदय की चंगाई हो। हो सकता है आप इस समय दुखी हों, आप पीड़ित हों, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा जब आप उसके सम्मुख आते हैं। हम मत्ती उसके 8 के 2 और 3 पद में सीखते हैं, जब एक कूढ़ी काफ़ी समय से प्रभु के सम्मुख आता है और उसको दंडवत करता है और कहता है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर। इस पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत अपने कोढ़ से शुद्ध हो जाता है, वो कोढ़ उसके शरीर को छोड़ के चला जाता है। उसी तरीके से हो सकता है कई बीमारी को, कई रोगों को, कई बातों को हम अपने ऊपर लेके बैठे हुए हैं। हम आज प्रभु के सम्मुख आएँ और प्रभु से मांगें कि प्रभु आप मुझे शुद्ध करिए। हाँ प्रभु जी, आपसे हो सकता है। हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर उत्तर को देने वाला परमेश्वर है, और वो आपको चंगाई देगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं। आप आदि से हैं, आप अनंत काल तक के हैं, आप स्वर्ग में विराजमान हैं प्रभु जी, और प्रार्थनाओं को सुनने वाले हैं प्रभु जी। हम सीखते हैं वचन से, जब एक रोगी प्रभु जी, एक कोढ़ी प्रभु जी आपके सम्मुख आता है और आपसे मांगता है, तो आप उसे चंगाई देते हैं। आप बदलने वाले परमेश्वर नहीं हैं। आप तब भी चमत्कार करते थे, आप आज भी चमत्कार करते हैं प्रभु जी। इस समय हो सकता है प्रभु जी कई लोग प्रभु जी बीमार हों, ग्रसित हों प्रभु जी, बस इस समय प्रभु जी हम आपसे मांगते हैं, आप उनको छूइए प्रभु जी, आप उनको चंगा करिए प्रभु जी। चाहे वो शरीर का की कोई कमजोरी हो, कोई दुर्बलता हो सकता है आत्मा की कोई कमजोरी दुर्बलता हो प्रभु जी, हो सकता है हमारे अपनों ने हमें दुख पहुँचाया, हमें कष्ट पहुँचाया है प्रभु जी। आप हमारे हृदयों पे प्रभु जी मरहम को लगाइए प्रभु जी, आप चंगाई दीजिए प्रभु जी। इस समय जितने भी लोग प्रभु जी हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, आप उनके भी मन की सारी प्रार्थनाओं को सुनिए प्रभु जी, और उनको चंगाई दीजिए। ये सारी दुआ प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन।